जिस प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए पूरे देश में आज एक अभियान छिड़ा हुआ है। उसके निपटान के लिए हमीरपुर जिला के इकबाल वैज्ञानिक ने प्लास्टिक मुक्ति धाम तैयार कर दिया है। जंदड़ू स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले इस छात्र के मॉडल की झलक यहां आयोजित बाल विज्ञान सम्मेलन में देखने को मिली। छात्र द्वारा बनाए गए इस प्लास्टिक मुक्ति धाम को शमशान घाट में तैयार किया जा सकता है। शमशान घाट का डिजाइन कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि नीचे शव जलाने के लिए जगह बनाई गई है और उसके ठीक ऊपर छत पर एक बड़ा टीन का टैंक तैयार किया गया है जिसमें प्लास्टिक डाला जा सकता है। उस टैंक की सतह पर नीचे की ओर दो तरफ जमीन में मोटी पाइपें लगाई गई हैं, जिसका कनेक्शन शमशान घाट के नीचे अंडरग्राउंड बने एक टैंक में दिया गया है। यानी जब शमशान घाट में कोई भी शव जलाया जाएगा तो उठती हुई आग की लपटों की तपिश से ऊपर रखा टीन का टैंक गर्म होगा और वहां रखा प्लास्टिक भी धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा और टैंक में लगाई पाइपों से होकर अंडरग्राउंड टैंक में आ जाएगा, जहां काफी मात्रा में इकट्ठा होने के बाद इसे लोक निर्माण विभाग या फिर पोलतार बनाने वाली कंपनी को बेचा जा सकता है। बॉय स्कूल में 3 दिवसीय इस विज्ञान सम्मेलन में जिला भर से करीब 400 स्टूडेंट्स विभिन्न मॉडल लेकर पहुंचे हैं, जिनमें पर्यावरण बचाने सहित सड़कों का पानी से बचाव और अन्य जानमाल की रक्षा के मॉडल शामिल हैं। इसका नाम है प्लास्टिक मुक्ति धाम। प्लास्टिक का हमारे लिए बहुत यादगार है क्योंकि ये संग्रह करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है और प्लास्टिक आजकल बहुत सिंगल यूज प्लास्टिक आजकल बैन कर दी है और सरकार हिसाब से खींच रही है और इसका इस्तेमाल कर रही है। तो इसके लिए मैंने एक सामग्री का मॉडिफायर बनाया है जिसमें जब भी कोई चीज आया है कि उसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और वह ऊर्जाशाही एटमोसफेयर में व्यर्थ हो जाती है। उसका इस्तेमाल हम प्लास्टिक फैलाने के लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक फैलाने के लिए मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें प्लास्टिक को पहले से डाल देंगे और जब भी कोई चीज आ जाएगी उससे वो मेल्ट होकर दो पाइपों के द्वारा नीचे आ जाएगा। नीचे एक निकास पाइप रखी गई है जिसके द्वारा बाहर निकल जाएगा। उसे हम अपने अनुसार सांचे में बदल सकते हैं। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना भी आसान होगा और उसे इकट्ठा करना भी आसान रहेगा। उसे HPPWD विभाग के पास दिया जाएगा और वह इसका इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए कर सकती है और इसके भविष्य में भी इस्तेमाल इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये दोनों दीवार अलग अलग धातु की बनानी पड़ेगी जिसके लिए 1500 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ेगी हमें। इसके लिए हम पोटाशियम और बिस्मत की मैटर का इस्तेमाल करेंगे पाली तरह दीवार को बनाने के लिए और इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।